इंडियन रेलवे एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखते हैं मैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। गौर करते हैं, 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। भारतीय रेल, जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास, नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ, 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ, 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम बड़े स्तर पर एक अभूतपूर्व गति से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन हो, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन हो, बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस हो या श्री राम जन्मभूमि स्थित अयोध्या धाम स्टेशन, आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को दी जा रही है सौगात, जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का कायाकल्प और 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पित कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन और कर रहे हैं वर्चुअल शिलान्यास देश भर में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का। ये अमृत भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल, जय हिंद। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, रेलवे में तो जो काम किया है ना मोदी सरकार में, ये तो भाई इसमें कोई दूरी राय नहीं। वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान में तो रेलवे बहुत साल पहले, मैं कहता 100 साल के भी ऊपर हो गए होंगे। गोरों ने चलाई बेहतरी, 1853 के 57 में पहली जो ट्रेन चली थी मेट्रो थी या ट्रेन थी, 1800 के करीब चली। अंदाजा लगा लो फिर वो उस दौर से आज तक देख रहे कि हमारे पास जो ट्रेन है ना उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई, उसमें बल्कि कमी है। इसके ट्रेन क्यों भाई क्यों, 25 करोड़ टिकटें बेच देते हैं तो बढ़ोतरी नहीं आई है। टिकटें बेच देते हैं तो रेल है तो बेचते हैं भाई, ऐसे कैसे टिकटें। मैं कहता हूँ 75 सालों में शेख ऋषि तो क्रेडिट जाते हैं इस चीज का, शेख ऋषि रेलवे मिनिस्टर बने ऐसे ही, उन्होंने 2 दिन में परवान। अच्छा, ईद के मौका पर 25 करोड़ टिकटें बेची थी, बोल रहा था वैसे मिस्टेक हो गई,
25 करोड़ नहीं 25 लाख शायद होगी, 25 लाख भी नहीं होगी भाई साहब। हाँ ये भी है कि मतलब काफी काफी जो पहले बंद पड़ी थी ना, आज कुछ ना कुछ चल गई, लेकिन आज भी भाई साहब स्टेशनों के ऊपर रश पड़ गया, किसी वजह से भाई साहब सस्ता पड़ रहा है ये सफर। बाकी जो वैगनों का होगा बसों का वो महंगा पड़ता है, उसमें टाइम भी लगता है, और ट्रेनों को लोग ज्यादा तरजीह दे रहे हैं पाकिस्तान में। बसों की नस्बत भी ज्यादा ट्रेन का मांग कर रही, लेकिन मुकाबला नहीं है ना, कम्पेयर है, लेकिन ये है फैसलाबाद के अंदर दो नई ट्रेने चली 2018 के अंदर, वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दो नुमाइंदे थे, उन्होंने अपनी अपनी चलाई किसी की मदद से। लेकिन भाई एक चीज देखी है कि भाई अब जो इंडिया में पुराने जो रेलवे स्टेशन उनको भी जो डेवलप किया जा रहा है, उसको दोबारा से बना के वो और भी ज्यादा खूबसूरत और थोड़ा एरिया बढ़ाया गया, एयरपोर्ट को पीछे छोड़ा है, इतनी साफ सफाई, ऐसे एयरपोर्ट देखे हैं, सॉरी रेलवे स्टेशन देखे हैं जो एयर पाकिस्तान के एयरपोर्ट को भी पीछे कर दे, नहीं चलता भाई साहब। ये कोई इंडिया के अंदर है जो मैं गोरों का है, ये भी देखो वो डिजाइन इस तरीके, ये चीजें पहले गोरों यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर देखी जाती है, आज भाई साहब वो अपने पड़ोस में दिख रही है। मेट्रो स्टेशन देख लो इंडिया के भाई, वो बंदा जब देखता है तो भाई बंदे की हैरत गुम हो जाती है कि भाई बंदा ये वो जो गोरे भी दिखाते थे ना भारत, गुर्बत गरीब धूल मिट्टी वो पीछे कार्टून भी पता नहीं कि कौन से कंट्री ने बनाया था, ओके ट्रेन के ऊपर जो लोग बिठाए कनाडा ने मेरे ख्याल में बनाया था, बिल्कुल हाँ वो दौर भी था बिल्कुल, वो तो टाउन करने के लिए चलो जिसने भी बनाया, लेकिन पॉपुलेशन को ज्यादा शो किया गया और वो ट्रेनों को जिस तरह ऊपर पुराना सिस्टम, वो पुराने दौर में होता था कि ट्रेनों के ऊपर भी लोग बैठ के आते थे, लेकिन अब तो भाई साहब इंडिया के ट्रेन सिस्टम बहुत धास हो गया, रिचर्ड होम देखते हैं, राजधानी देखते हैं, वंदे भारत देखते हैं, दिल खुश हो जाता भाई साहब ऐसे ही कमाल की ट्रेनें। तो जो रोडों में जो सॉरी जो रेलवे ट्रैक जो बिछाए गए मजीद, उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर देखा जाए तो भाई पहले जो साफ जा रहे फ्रेट ट्रेन भी उसी ट्रैक पर चलती थी, अब तो कई जगह पर ऐसा किया गया है कि फ्रेट ट्रेन के लिए अलग जो है वो ट्रैक बिछाए गए और उसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ाई गई, ताकि उस पे चल सकती है। तो देखा जाए तो रेलवे सिस्टम में भाई कमाई जो होती है ना सरकार को, वो फ्रेट ट्रेन से ही होती है, पैसेंजर ट्रेन से होती। 10,000 से ऊपर सर्च हो रहे थे फ्लाई ओवर ब्रिजेज, 1500 थे, इतने कितनी अच्छी हो जाती है इससे, जो गाड़ियों का पेट्रोल उससे जो धुआं निकल रहा है आबो हवा वो भी खर्च होता रहता है, वो जाया जाता है, वो बर्डन नहीं उसका कोई फायदा तो होता नहीं। तो अगर इस तरह फ्लाई ओवर और अंडर पास बन जाए तो वो खड़ा होने पर वो टैंक की भी बचत और पेट्रोल डीजल का भी फायदा जी। बाकी और बैलेंस सकून इंडियन जो है ना रोड हो या रेलवे हो, वो देखा नहीं क्या एक लड़की ने एक्सपेरिमेंट किया था गोरों का भी और इंडिया का, जर्मनी का पानी पानी का जर्मनी का किया था बिल्कुल, और कोई वाइब्रेट नहीं कर रहा था इधर जो इंडिया के रोड के ट्रेन एक और था चीज है जो 5G के जो सहूलत है रेलवे स्टेशन पे 6,000 से ज्यादा बोल रहे थे कि 6,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हाँ इतने रेलवे स्टेशन पे 5G की सहूलत भी मौजूद है, तो बहुत बढ़िया भाई साहब। और बाकी भाई और भी बहुत सारे, लेकिन जो प्रोजेक्ट भाई साहब कश्मीर वाली साइड की तरफ ये सारे इंडिया को पीछे छोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ भाई साहब मैदानी इलाकों में नहीं हो रहा और वो इतनी ऊंचाई पर पूरी गवर्नमेंट हिंदुस्तान की अब मौजूदा वक्त सारा फोकस ही कश्मीर में रखा हुआ है। अब तो भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले 30,000 के 40,000 टोटल थे ट्रैक जो था, अब जो है वो 70 के करीब हो गया है, डबल हुआ। मतलब ये कि मोदी की सरकार में 30,000 अगर किलोमीटर की ट्रैक बिछाया गया है तो बहुत बड़ा आंकड़ा है,
इतना इतने 75 सालों में नहीं हुआ इतना मोदी सरकार में हो गया, तो ये तो भाई फर्क दिखता है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कोई वैसे तो हमने अक्सर रेलवे स्टेशन देखे हैं जो नए बनाए गए हैं, अगर कोई और मजीद जो गुजरात में या कोई एक यूनिक टाइप का जो जिसका स्ट्रक्चर हो रेलवे स्टेशन हो तो जरूर वीडियो भेजिएगा, हम उस पर भी रिएक्शन देंगे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।